अगले खबर की ओर। स्थानीय लघु सचिवालय के समक्ष जारी एनएचएम कर्मचारियों का धरना शुक्रवार को 15वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान एनएचएम कर्मचारियों ने थाली व ताली बजाकर रोष जताया तथा सरकार को उनकी मांगों के प्रति चेताने का प्रयास किया। इस दौरान एनएचएम कर्मचारियों के धरने को समर्थन करने संयुक्त किसान मोर्चा व जिला बार एसोसिएशन के प्रधान सत्यजीत पिलानिया पहुंचे तथा एनएचएम कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि वे उनके हकों की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे। बता दें कि एनएचएम कर्मचारी नियमितीकरण, 7वां वेतन आयोग, एलटीसी का भुगतान, मेडिकल लीव, कैशलेस बीमा, ईएलसीएल, पुरानी तबादला नीति को लागू करने सहित अन्य मांगों को लेकर एनएचएम कर्मचारी साझा मोर्चा हरियाणा के बैनर तले पिछले 15 दिनों से धरनारत है। इस मौके पर एनएचएम कर्मचारी सुधीर ने कहा कि कोरोना काल में जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना को भगाने के लिए देशवासियों को थाली के लिए थाली बजाई थी, उसी तर्ज पर एनएचएम कर्मचारियों ने सरकार को जगाने के लिए थाली बजाकर रोष जताया है। भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट। एक का हमारा 15वां दिन है। कल जो सरकार की पॉलिसी आई रेगुलेशन की, ये उसमें एनएचएम को हरियाणा सरकार ने मंत्रिमंडल में शामिल ही नहीं किया गया। और सरकार हमारा पेशेंस का टेस्ट ले रही है, कोई बात नहीं लेते रहे, जब तक रेगुलाइजेशन पॉलिसी में एनएचएम का नाम नहीं होगा, ये दरी से हम अटने वाले नहीं हैं। ये हड़ताल लगातार और लगातार चलती ही रहे। आज हमने 15वें दिन ताली और थाली दोनों से सरकार को जगाने का प्रयास किया गया है कि कोविड में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना को भगाया था, वही हम सोच रहे थे। अगर आज हम ताली और थाली बजाएं तो हमारी हरियाणा सरकार जो सोई पड़ी है, जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज बीमारियों का पीक का सीजन है, मलेरिया डेंगू बहुत पीक पर हैं और पता नहीं क्यों स्वास्थ्य के साथ हरियाणा सरकार खेल रही है जनता के। हम चाहते हैं कि हम जनता की सेवा करें, परंतु वो हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, बातचीत के माध्यम से इस समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं, तो हमारी हड़ताल यूं ही जारी रही।